एक तो सला ही दो हो गया ओन ओके गुड आफ्टरनून हाँ जी सो टुडे विल बी डिस्कसिंग सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल कि आपको सब्जेक्ट जो एक यूपीएससी में रखना है वो उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए और uh, ऑल आप लोगों ने शायद सिलेक्ट कर रखा हो ऑप्शनल किस किसने करा हुआ है ऑप्शनल बताइए How uh, which optional you have selected? <coughs> Even if you may have selected optional or you may not have selected optional, so uh, my lecture will help you to re-evaluate your decision. If your decision is correct, then you can feel confident that yes, it is right. And if you further examination, then you can always do it because uh, selection of optional is a very important thing in. यू पी प्रिपरेशन कई बार गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों से एंड माइट हैव यू माइट हैव सीन कि बच्चे एक अटैम्प्ट एक ऑप्शन से दे रहे हैं फिर दूसरा अटैम्प्टैन दे हैपन टू चेंज द ऑप्शनल फिर तीसरे टर्म में फिर ऑप्शन बदल लेते हैं सो so, अगर हम राइट फ्रॉम दिस डे वन इफ़ वी कीप द ऑप्शनल विद केयर हम थोड़ा ध्यान से ऑप्शनल को रखें तो डेफिनेटली इन इफ यू हैव टू गिव फर्दर अटैम्प तो हमारा ऑप्शन इम्प्रूव होना चाहिए राधा दैन की हर बार हम नया ऑप्शनल रख के बैठ जाए है ना तो ठीक है कोई बात नहीं लविश आपका अगर नहीं सिलेक्टेड ऑप्शनल तो एक मैथड मैं दे रहा हूँ सी आई एम गिविंग यू ए मैथड रिमेंबर है ना आई एम गिविंग यू अ मैथड मैं मैथड दे रहा हूँ आपको आई एम नॉट सेलिंग कि आप ये ऑप्शनल रख लो तो आप बाकी तो धीरे धीरे अपना अपनी सिचुएशन को एग्जामिन करके यू विल कम आउट विद योर ओन चॉइसेस कि हाँ ये ऑप्शन मैं रख सकता हूँ एंड अकॉर्डिंगली देन यू कैन डिसाइड तो बेसिकली ये यूपीएससी के स्टेज टू के अंदर आता है ऑप्शनल ओनली वन ऑप्शनल नाउ डे यू हैव कीप है ना एक ऑप्शन आपको रखना है एंड ऑप्शनल कैरीज फाइव हंड्रेड मार्क्स ठीक है मतलब टोटल मार्क्स आर सेवन फिफ्टी इन मेन्स आउट ऑफ विच दिस कैरीज फाइव हंड्रेड मार्क्स है नाओ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अराउंड सिक्स सेवन ईयर्स बैक दी ऑप्शनल टू ऑप्शन वी हैड टू कीप दो ऑप्शन रखने पड़ते थे Or each optional was of 600 marks, so those optional were of 1200 marks and the total marks were 2000. So, the weightage of optional was 60% in optional. Right? Nowadays, the weightage is less than 30%. It comes out to be around 29%, you see. So, weightage has reduced in overall thing. Earlier, GS used to be of 600 marks out of 2000. बट नाउ जीएस कैरीज वन थाउजेंड मार्क्स आउट ऑफ टू थाउजेंड सॉरी सेवन फिफ्टी तो आप लगा लीजिए कि आप सिक्सटी परसेंट आपका जीएस कॉन्ट्रीब्यूशन है आज की डेट में अराउंड है ना साठ परसेंट के आसपास आपका जीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन है और पहले ये कॉन्ट्रीब्यूशन थर्टी परसेंट हुआ करता था तो जीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन डबल हो गया ट्रेंड इज वेरी क्लियर इट इज इंक्रीज फ्रॉम थर्टी परसेंट टू सिक्सटी परसेंट एंड ऑप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन हैज डिक्रीज फ्राम सिक्सटी परसेंट टू थर्टी परसेंट रिवर्स हो गया एक तरह से रिलेशनशिप तो ऑप्शनल का आपको जब सेलेक्ट करना है तो एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू कीप अप्शनल जो यू इट कैन गिव यू टाइम फॉर बिकॉज टाइम इज़ कॉन्स्टेंट टाइम कॉन्स्टेंट है कल मैं, मैंने टाइम मैनेजमेंट प्लान डिस्कस किया आपके टारगेट फिक्स हैं कि आपको ऑप्शनल तैयार करना है जी एस करना है सब कुछ करना राइट right? तो आइडिया इसकी आपको ये देखना है कि मैं ऐसा ऑप्शन रखूं पहले तो कि जो मेरी पूरी टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर फिट बैठता है इट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ गेन्स व्हेन यू सेलेक्ट अ ऑप्शनल इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ दिस इज इज द द बेस्ट ऑप्शनल ऑप्शनल और दिस वर्स्ट नो इट्स अबाउट ऑप्शनल विच वर्क विद मी दिस ऑप्शनल दिस फिट्स इन टू सिस्टम इट्स फिट्स इन टू ओवरऑल सिस्टम ये आपने इशू लेके चलना है ये आपने इशू लेके ओवरऑल चलना है ठीक है तो आइडिया इसकी अब देखिए इसमें कि जो लिस्ट ऑफ ऑप्शनल यूपीएससी ने दिए हैं तो ऑल दो यूपीएससी जस्ट गिवन अ लिस्ट तो मैं उसको दो भागों में डिवाइड कर रहा हूं दो भागों में एक तो आपके टेक्निकल ऑप्शनल्स हैं एंड सेकंड इज सेकंड आर जनरल ऑप्शनल ठीक है अब टेक्निकल ऑप्शनल कौन से हैं दीज ऑप्शनल्स आर दोज विच कैन बी केप्ट बाय स्टूडेंट्स विद अ स्पेसिफिक बैकग्राउंड विद स्पेसिफिक बैकग्राउंड मतलब आपकी उस विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है ये कोई कंपलसन नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी की तरफ से आप चाहे बॉटनी रख लो आपने बॉटनी नहीं पढ़ी हुई आप बॉटनी भी रख सकते हो बट नॉर्मली ये ऑप्शन वो हैं जो वो बच्चे रखते हैं जिन्होंने उस सब्जेक्ट से बैकग्राउंड से अपनी करिए सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखना है तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग में आपने इलेक्ट्रिकल करी है तभी तो रख पाओगे अदरवाइज क्यों रखोगे रख सकते हो आप यूपीएससी मना नहीं करती है आपको लेकिन टेक्निकली वही बच्चा रखता है जिसने वो एजुकेशनल बैकग्राउंड करी है इसमें आपका एग्रीकल्चर आ गया एनिमल हस्बेंड्री आ गया बॉटनी केमिस्ट्री सिविल इंजीनियरिंग जोग्राफी सॉरी इधर आएगा इधर जोग्राफी आएगा इसको ठीक कर लेंगे थोड़ा सा जोग्रफी इधर नहीं आएगा राइट देन हिस्ट्री भी यहाँ नहीं आएगा ये थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे स्लाइड में एंगल रह गया ठीक है एंड इंडियन लैंग्वेज़ के अंदर लोग रख लेते हैं जैसे हिंदी हिंदी रख लेते हैं कई लोग है ना और पंजाबी इन नॉर्थ रख लेते हैं मराठी रख लेते हैं तेलुगू रख लेते हैं तो वो विदाउट बैकग्राउंड वाले बच्चे भी लैंग्वेजेस रख लेते हैं तो इसको भी आप इधर ला सकते हो और जनरली बाकी सारे सब्जेक्ट्स वो लोग रखते हैं जिन्होंने उस विषय से एजुकेशनल बैकग्राउंड से वो करा है ना सेकेंड कैटेगरी आपकी आती है जनरल ऑप्शन जो कोई भी व्यक्ति रख रह सकता है एनी स्टूडेंट कैन कीप हु इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज बैकग्राउंड जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग एंथ्रोपोलॉजी रख लेते हैं साइकोलॉजी पब्लिक एड फिलोसफी सोशोलॉजी पोलिटिकल साइंस जोग्राफी हिस्ट्री ये वो सब्जेक्ट हैं जो जनरली वो बच्चे रखते हैं मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड वो रख लेते हैं कि आसान है इसकी कोचिंग अवेलेबल है चलो ये हम रख लेते हैं ठीक है ना तो अल्टीमेटली आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना है चॉइस तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स के बीच में करनी है चॉइस आपको इन्हीं सबेट्स के बीच में करना ठीक है ना तो कई बार आप बड़े यू गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एनवायरमेंट कि ये ऑप्शन अच्छा है ये ऑप्शन माड़ा है ये ऑप्शन स्कोरिंग है ये नॉन स्कोरिंग है ब्ला 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 है ना तो यू माइट हैव हर्ड ऑफ दीज थिंग्स सपोज आपने कहा मैंने ये ऑप्शन रखना है तो उसके चार फेवर में बोलने वाले हो जाते हैं चार अगेंस्ट बोलने वाले हो जाते एंड देन यू आर नॉट कन्फ्यूज है ना तो कई बार हिम्मत नहीं पड़ती खुद डिसीज़न लेने की लेकिन बेटा ये डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा अपने आप ही रादर देन आस्किंग समबडी अगर हम एक अपनी सिचुएशन समझ के अपना मेथड लगा के एक जो मेथड मैं बताऊंगा दो तीन ऑप्शन अपने जीरो डाउन कर लें तब उस दो तीन ऑप्शन पर चर्चा हो सकती है कि वेदर इनमें वे से आपके लिए कौन सा सूट करेगा तब हमारा रोल आ सकता है आप कहो सर मैंने ये तीन ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं अपने लिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी तो आप मुझे थोड़ा सा इन तीन ऑप्शन के बारे में बताएं कि मैं इसमें से कौन सा रख सकता हूँ तो वो एक वर्बल एक कम्युनिकेशन लेवल पे हम डिसाइड कर सकते हैं अदरवाइज़ अगर आप स्टेट प्रॉपरली सिस्टम फॉलो करोगे तो अपने आप निकल आएगा ऑप्शनल राइट right. अब जब हम यात्रा आरंभ करते हैं फॉर नोइंग हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल तो कुछ चीज़ें क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको देना चाहता हूँ जो बिल्कुल ही आपको एलिमिनेट करनी है लाइक like, कोई ऐसा नहीं होता कि ये ऑप्शन अच्छा है या बड़ा है हर ऑप्शन से देखिए बच्चे बनते हैं गुड और ऑप्शन बैड ऑप्शन हम बनाते हैं वी मेक इट अगर हमारे नंबर उस ऑप्शन में आ गए तो हमारे लिए वो गुड बन जाता है अगर वो नंबर नहीं आए तो बैड हो जाता है तो कोई ऐसा नहीं है अच्छा ऑप्शनल बड़ा खराब ऑप्शनल है ऐसी कोई बात नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है अच्छा या बुरा किसी भी चीज़ को हम खुद बनाते हैं अपनी नज़र होती है अपनी मेहनत है अपनी अचीवमेंट है तो काइंडली किसी भी ऑप्शन को ऐसा ना कहें ये खराब है ये अच्छा है अपने आप में बुरा लगता है बड़ी अन इंटेलेक्चुअल सी बात लगती है <laughs> तो सेकेंड एंड नॉन स्कोरिंग देखिए स्कोरिंग एंड नॉन स्कोरिंग वाली तो कोई बात ही नहीं है ना इट्स ऑल रिलेटिव है ना बिकॉज इन यूपीएससी इट्स नॉट दैट कि आपके आप, आप मैथ रखें और आपके पांच सौ में से पांच सौ नंबर आ जाए तो इससे इससे तो स्कोरिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग तो मैथ ही बनेगा फिर लेकिन क्या आपने मैथ में पाँच में से पाँच आते देखा है आपने मैथ में भी 500 में से वही सवा तीन सौ साढ़े तीन सौ मैक्सिम आते देखा होगा जो हर ऑप्शन में आते हैं आप सोशलॉजी ऑप्शन ले लीजिए बिल्कुल ह्यूमैनिटीज़ का है माय स्टूडेंट्स हैव स्कोर 350, 336, 342, 324 इन ऑप्शन 324, सौ चौबीस तीन तक नंबर लिए हैं तो ये स्कोरिंग नहीं है क्या ऐसे हिस्ट्री में भी नंबर आए हुए हैं ऐसे मैथ में आते हैं तो बेसिकली यूपीएससी डू फॉलो मॉडरेशन सिस्टम कि वो सारे ऑप्शनल पैरिटी पे ले आती है अदरवाइज तो सारे ही मैथमेटिक्स वाले सिलेक्ट हो जाए ना तो देर इज नथिंग और स्कोरिंग एंड नॉन स्कोरिंग ऑप्शनल ड्यू टू मॉडरेशन सिस्टम ऑफ यूपीएससी वो सारे ऑप्शनल एक पैरिटी पे ले आती है आपको ये देखना है कि हाउ मच गुड आर यू विद इन योर ऑप्शनल आपको अपने ऑप्शनल के अंदर अपनी जो ऑप्शनल से आपके बच्चे सपोज वन थाउजेंड स्टूडेंट्स आर गिविंग थ योर ऑप्शनल है ना आपको ये देखना है कि आपका इस एक हजार के अंदर कहाँ आप लोकेटेड हो टॉप फिफ्टी में हो टॉप हंड्रेड में हो टॉप टू हंड्रेड में हो, हो बॉटम में हो तो आपको अपने ऑप्शनल में अपने जो कंपिटिटर्स हैं उनसे आपको बेटर परफॉर्म करना है ठीक है ना अब देखिए थर्ड चीज है कि कोई ईजी या डिफिकल्ट चीज नहीं होती कोई भी चीज ईजी या डिफिकल्ट नहीं होती ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन आसान है ये मुश्किल है इट डिपेंड्स अपॉन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना इट डिपेंड्स अपॉन योर एप्टीट्यूड कि भी मेरी इंटरेस्ट क्या है अगर आपको कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है देखो वो आपके लिए ईजी बन जाती है नहीं तो ऐसा कहने वाले भी बच्चे देखे हैं मैंने हिस्ट्री सर बड़ा मुश्किल लग रहा है अब हिस्ट्री में क्या मुश्किल भाई लेकिन उनको लगता है मुश्किल बिकॉज उनका इंटरेस्ट नहीं है है ना अब आइडिया इसकी एक बच्चे ने मैथ्स करा बीएससी करी एमएससी करी मैथमेटिक्स वो मुझसे आके कह रहा है सर मैंने मैथ नहीं रखना मुझे बहुत मुश्किल लगता है मैथ अब जिस बच्चे ने सात साल मैथमेटिक्स पढ़ा वो आके मुझे सात साल बाद बोल रहा है कि सर मैंने मैथ नहीं रखना बट इट इज़ फेयर इनफ इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मुश्किल लग रहा है सात साल पढ़ा है उसने इसका मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है वो उतना बैठ के नहीं पढ़ सकता तो कोई भी सब्जेक्ट ईजी या डिफिकल्ट तब बन जाता है अगर वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है क्योंकि हमें पढ़ने में बोरियत होती है टेक अन यूजअली लॉन्ग टाइम टू स्टडी समथिंग है ना हम डबल टाइम ले लेते हैं तो हमारे को मुश्किल लगने लग जाता है वो वही चीज अगर इंटरेस्ट से की जाए तो वो चीज आसान लगेगी ठीक नहीं बात बात ये समझ आ रही है तो इस बात को समझ लेना तीन बातों को आपने इस बारे में गलती नहीं करनी है आपने तो सेकंड लास्ट थिंग इट इट इन जनरल स्टडीज वेरी कॉमन जुमला है कि भाई आप हिस्ट्री रख लो तो प्री में भी हिस्ट्री है मेंस में भी हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तो कवर हो ही जाएगी आपकी कोई कहेगा हम पब्लिक एड रख लो जी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी कवर हो जाएगी पॉलिटिकल साइंस वाले कहेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन कवर हो जाएगा आई कवर हो जाएगा साइकोलॉजी वाले कहेंगे हमारा एथिक्स का पोर्शन कवर हो जाएगा और ऐसे कवर हो जाएगा सोशोलॉजी वाला कहेगा कि भाई सोशल इश्यूज़ का पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा आपका सौ नंबर का और ऐसे कवर हो जाएगा ये काम आएगा भाई कौन सा ह्यूमैनिटीज़ का ऐसा ऑप्शन है जिससे हेल्प नहीं मिलती हर ऑप्शनल अपने आप को क्लेम करता है जोग्राफी वाला भी क्लेम करेगा फिलोसफी भी क्लेम करेगा सारे ऑप्शनल क्लेम करते हैं कि वी आर हेल्पिंग इन जनर स्टडीज है दिस मिथ इज प्रोपगेटेड बाय नंबर ऑफ पीपल हु आर बेसिकली इग्नोरेंट अबाउट सिविल सर्विस है ना आपको इतना बता दूं मैं कि जो इग्नोरेंट लोग हैं वही आपको यह बात कहेंगे कि जीएस में हेल्प करता है ये ऑप्शनल जिस, जिस बच्चे ने मेंस दे दिया उसको समझ है कि भाई मेरा कितना ऑप्शन ने हेल्प किया देखो सपोज अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का अब कॉन्स्टिट्यूशन पे आपके सपोज 125 नंबर का पेपर आता है पेपर थ्री में पेपर टू में सॉरी पॉलिटी का ठीक है ना अब उसमें या तो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं या 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ठीक है ना और को हर क्वेश्चन के तीन तीन चार चार पार्ट होते हैं लिखना ही कुछ नहीं होता जरा सा ना वैन यू राइट इन जनरल स्टडीज यू हैव टू राइट डिफरेंटली फ्रॉम अ जर्नलिस्ट परसपेक्टिव जब आप वही आंसर अगर उस तरह का आंसर मेन्स में लिख रहे हो ऑप्शनल में लिख रहे हो तो आपको टेक्निकल लिखना पड़ता है।, है ना मैं आपको छोटा सा अपने से बैक्ट का एक एग्जाम्पल देता हूँ काजेज ऑफ पॉवर्टी अब पेपर वन में अगर कॉजेज ऑफ पावर्टी जनरल स्टडीज में आ गया तो मुझे बिल्कुल जनरल आंसर लिखना है कि भाई कितने ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं कैसे पॉवर्टी आती है लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं जनर स्टडीज में लिख रहा ऑप्शनल uh, में लिख रहा हूं आई हैव टू कोट थिंकर्स कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है पावर्टी का या साइकिल ऑफ पावर्टी क्या होती है या टेक्निकल चीजें साइकिल ऑफ डिप्रीवेशन कोर कंसेप्ट लेने मैंने पावर्टी के और बिल्कुल आंसर वो डिफरेंटली लिखा जाएगा अगर मैं आंसर वो जनर स्टडीज वाला लिख दूंगा मेरे नंबर नहीं आने ऑप्शन में अगर मैं ऑप्शन वाला जीएस में लिखाऊंगा तो उन्होंने काट देना वहीं पे कि नहीं इट इज नॉट दर्नल स्टडीज आंसर हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस बच्चे का जो ऑप्शन होता है उसी के सब क्वेश्चंस उसको जीएस में करने में तकलीफ होती है अगर उसने अलग से तैयारी नहीं करी इतना आप मेरी बात समझ लो अब नहीं समझोगे मीन्स दे के समझ आ जाएगी है ना लेकिन समझ तो ये आनी ही है क्योंकि ये आंखें बंद करने वाली बात है कि देखो बेटा खोल के कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं जीएस में इस तरह के और ऑप्शनल में देखो किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं भाई दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है दोनों ही डिफरेंट चीज़ें डिमांड कर रहे हैं दोनों के आंसर लिखने के ढंग अलग हैं दोनों की इन्फॉर्मेशन सेट अलग है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जी में हेल्प करता है जनरली क्या होता है मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ तो मैं कह दूंगा जी हिस्ट्री रख लो देखो जी सब कुछ हो गया आपका अगर मैं सोशोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोशलॉजी जस्टिफाई कर दूंगा आजकल तो यही हो रहा है सब अच्छे सपना छोड़ चुके हैं भाई जैसे मार्क काट मचिए पर नहीं ऐसा नहीं करना आपने यू आर यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर खुद देखना है खोल के पेपर भाई कहते हैं जी पॉलिटिकल साइंस से इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगा भाई कितने क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल के मीनस में, में तीन क्वेश्चन आते हैं वो भी जनरल से आप ऑप्शन में उठा के देखो क्या सा आता है और जीएस में देखो कौन से क्वेश्चन आते हैं कितने वर्ड्स के आते हैं आपको लगेगा है इसके लिए मैंने ऑप्शन करना है क्या ये तो मेरा वैसे दस दिन में तैयार हो जाएगा और बेटर नंबर आ जाएंगे मेरे तो इसलिए बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि आपको क्या करना है चलिए आगे अब नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटजी आती है कि ऑप्शन सिलेक्शन की अब मुझे सिलेक्शन में कैसे करूं इसके लिए देखिए सबसे पहले हमारी आईटीआर स्ट्रेटजी है आईटीआर स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले आई है दैट इज इंटरेस्ट जब भी देखो ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है सबसे पहले तो देखना है कि ब्रॉडली उसको देख के सिलेबस उसका देख के नंबर 1 आप उसका सिलेबस देखिए अच्छे से ठीक है ना फिर आप उस ऑप्शनल के बारे में थोड़ा सा नेट पे पढ़ें बेस्ट बेसिक सोर्सेज विकीपीडिया वीडियो विकीपीडिया पे उस वेट की एंट्री जाके देखें और जस्ट स्कैन करें कि इस वेट क्या करता है बेसिकली है ना और थर्ड फिर आप देखें प्रीवियस क्वेश्चन निकाल के एक दो देखें कि किस तरह के क्वेश्चन इस वेट में आते हैं देन ओवरऑल एक फीलिंग लें कि क्या मैं इस वेट को पढ़ना चाहूँगा देखिए इसका कोई पैरामीटर या कोई मैथमेटिक्स नहीं है ये इट इज़ अंदर से आवाज़ है कई बार किसी ऑप्शन को देखते ही हम कहते हैं नहीं यार ये नहीं मैं कर सकता ये नहीं मैं कर सकता रीज़न नहीं होता कोई जैसे मैं कहूँ चार तरह की वेजिटेबल हैं बैंगन है भिंडी है घिया है तोरी है भाई मुझे कौन सी अच्छी लगती है अब ये तो अपनी नेचर है यार किसी को तोरी बड़ी अच्छी लगती है किसी को भिंडी बड़ी अच्छी लगती है किसी को बैंगन अच्छे लगते हैं कोई कहता है बैंगन मैं खा ही नहीं सकता अब क्यों मैं उससे अगर पूछूँ तू क्यों नहीं खा सकता ये कोई बात बनी नहीं उसका इंटरेस्ट नहीं टेस्ट उसका यही फैक्टर चलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉडली हमने देखना है कि क्या मेरा इस सबेक्ट में इंटरेस्ट है अगर इंटरेस्ट है तभी आगे चलना है कि हां रीजनेबल इंटरेस्ट है ऐसी कोई बात नहीं है कोई रिपल्शन नहीं है मेरी तो टिक्का मार दो कि ठीक है ये रख सकता हूँ ठीक है ना चलिए सेकेंड इज टाइम कि कितना टाइम अवेलेबल है आपका एवरेज प्रिपरेशन टाइम का कंसेप्ट हम लेते हैं कि अगर कोई ऑप्शन आपने रखना है तो थोड़ा सा पहले आपको ये देख लेना है कि अगर ये ऑप्शन मुझे तैयार करना है तो मुझे कितना टाइम लग जाना है, है ना जैसे अगर ह्यूमैनिटीज के ऑप्शन हम देखें है ना जोग्राफी को छोड़ के तो बाकी ऑप्शन अराउंड चार महीने साढ़े तीन से चार महीने में तैयार हो सकते हैं क्योंकि 500 नंबर का ही पेपर है उतना ही टाइम लगाते हैं ठीक है ना जोग्राफी को छः महीने लग जाते हैं थोड़ा सा लेंथी ऑप्शनल है वही अगर आप देखो कि आप अगर जनरल ऑप्शन जो टेक्निकल ऑप्शनल है वो देखो इफ़ इफ़ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रॉपरली आपने अच्छे से दिल से करी है तो उसमें भी यही पाँच से छः महीने लग जाते हैं तो टाइम ऐसा है कि डिपेंड करता है अगर आपने टेक्निकल ऑप्शन किया है कोई लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था आपने ग्रेजुएशन में तो डेफिनेटली बहुत टाइम लग जाएगा यू कै नॉट कीप डट वो आपको देखना है बस सो एवरेज प्रिपरेशन टाइम देखना है और देखना है कि वेदर दिस एवरेज प्रिपरेशन टाइम फिट्स इन योर प्रिपरेशन और नॉट फिट्स इन योर टाइम शेड्यूल और नॉट आपने सपोज आज आज सपोज अ, अक्टूबर है अभी नवंबर आ गया तो आपने जून में पेपर देना सपोज ऑप्शनल अभी तक तैयार नहीं किया आपने अभी आपको डिसीजन लेना है कि मैंने ऑप्शनल रखना है तो टाइम फैक्टर एक फैक्टर नहीं बन जाएगा क्या तो आपको ऐसा ऑप्शन रखना है कि जो आप विद इन थ्री मंथ्स नेक्स्ट थ्री मंथ्स आप एटलीस्ट फिफ्टी सिक्सटी परसेंट कर लो तभी प्री देने का फायदा है लेकिन अगर आपने 2021 में देना है बाईस में देना है आपके पास काफी टाइम है आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो तेईस में देना है आप और अच्छा अपना कोई भी अपना डिसीजन ले सकते हो ठीक है ना फिर आपने रिविजन टाइम का कंसेप्ट देखना है अभी जैसे अराउंड सेवन डेज का सिक्स सिक्स डेज का टाइम मिल रहा है एक दो साल से लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन मिले तो आपको देख लेना है कि हाँ मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेरा जो ऑप्शनल रिविजन टाइम है दे शुड बी डाउन टू वन आवर वन डे सॉरी एक दिन में मेरा वो रिविजन टाइम होना चाहिए प्रिपरेशन उस तरह से हमें प्लान करनी है आपने ये एज्यूम करके नहीं चलना कि छः दिन मिलेंगे ही मिलेंगे अगर नहीं मिले तो ऑल दो आपको एक साल की पूरी डेटशीट मिल जाती है लेकिन जो डिटेल डेटशीट है वो बाद में आती है है ना? चलो अब देखिए थर्ड फैक्टर इसमें रिसोर्सेज है आई टी आर क्या आपके पास उस ऑप्शन को तैयार करने के रिसोर्सेज हैं है ना रिसोर्सेज में सबसे पहले आपकी अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड आती है कि क्या आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड में वो था या नहीं था अगर था थोड़ी हेल्प हो जाएगी नहीं है तो कोई बात नहीं देन सेकेंड इज एक्सेस टू नो अबाउट स्ट्रेटेजी क्या आपके पास है या नहीं है स्टडी मटेरियल आपके पास है या नहीं है असेसमेंट सिस्टम है या नहीं है असेसमेंट सिस्टम मतलब टेस्टिंग ठीक है ना तो बेसिकली आपको ये देखना है कि और साथ में यहाँ बहुत ध्यान रखना है कि आपको वेबसाइट्स पे या इंटरनेट पे आपको बहुत ही सोच समझ के अपने लेक्चर चूज़ करने हैं ये नहीं है गूगल यूट्यूब पर सर्च मारी सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल और जो एनी टॉम डे कैन हैरी हुई इस टेलिंग यू अबाउट दी ऑप्शनल आपने वो लेक्चर सुनने लग गए लेक्चर सुनना है ओनली ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से द पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड बहुत हैं वेबसाइट्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन हैं और जो आपको ऑनेस्टली एडवाइस देते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट देयर इंटरेस्ट देयर आर टीचर्स आप पहले उस टीचर की क्रीडेंशियल्स uh, uh, चेक कर लें कि वेदर ही मैं इसका लेक्चर सुन सकता हूँ बिकॉज सेंसिटिव मैटर वो आपको दैट पर्सन कैन एंड अप अपडिंग यू टोटली एंड टोटली डी रेलिंग योर प्रिपरेशन आप वो गलत ही ऑप्शन चूज करा देगा बंदा वो तो आप ये क्रेडेंशियल जरूर चेक करें क्योंकि हम आपको अगर बता रहे हैं आपने इक्कीस साल के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं मोर देन फोर्टीन हंड्रेड स्टूडेंट्स हैंड्स है ना तो लेकिन हमें हर तरह की जो सिचुएशन है हर तरह के ऑप्शन से हम गुजरे हुए हैं अपने आप आप कहोगे जी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताओ तो हम वो भी बता देंगे क्योंकि कोई गुजरा हुआ है बच्चा एग्रीकल्चर में गुजरे हुए हैं जोलॉजी बॉटनी सब में गुजरे हुए हैं बच्चे तो ऐसे है कि तो उससे आपको एक मैच्योर सलाह मिल जाती है तो आपको आप अपने आसपास रिसोर्स देखना है कि क्या आप सेल्फ स्टडी करोगे अगर सेल्फ़ स्टडी करोगे तो ये सारी चीज़ें एक्सेस करनी पड़ेंगी या आप कोचिंग लोगे अगर कोचिंग लोगे तो क्या आपके पास अच्छी कोचिंग अवेलेबल है क्या आपने कोचिंग में ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है तो ये रिसोर्सेज आपके पास आजकल आई थिंक रिसोर्सिस की कमी नहीं है अगर आप अपने घर में बैठे हैं आप कहीं नहीं भी जा सकते तो ऑनलाइन आप कोर्स ऑप्शन का ले सकते हो इज इट कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है तो ऐसा एक जमाने में था कि आपको जाना पड़ता था कि इसका टीचर देखो हैदराबाद में अवेलेबल है इसका टीचर बेंगलोर में अवेलेबल है इसका टीचर चंडीगढ़ में है इसका टीचर दिल्ली में है तो वो जाना कई बार इट वॉज़ अ लिमिटेशन बट नाउ डेज दिस जोग्राफिकल बैरियर्स हैव बीन क्रॉस्ड एंड नाउ यू कैन डू द सेम कोर्स सिटिंग एट योर होम ऑल्सो तो रिसोर्सेज की इतनी बड़ी समस्या नहीं ठीक है तो ये तीन फैक्टर आपने हर ऑप्शनल पे जो भी प्रॉब्बल आपके बनते हैं जैसे इंटरेस्ट के बेसिस पे आपने निकाल लिया मोटा मोटा एक लिस्ट में से कि ये चार ऑप्शनल मेरे बनते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से अब चार पे आप टाइम लगाओ टाइम कितना लगेगा और रिसोर्स हैं या नहीं है तो चार में से हो सकता तीन रह जाए अब लास्ट जो आपका क्राइटेरिया है दैट इज स्टेज एनालिसिस अब फाइनल सिलेक्शन की बात फाइनल ऑप्शन सिलेक्शन की बात आती है अब जो चार आपने सेलेक्ट करे हुए हैं ये उनमें से देखना है कि क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड का है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इन चार में से उसकी रहनी चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है वेरी क्लियर कोई बात नहीं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम है उसमें ज़्यादा है तो चल जाएगा लेकिन अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट है और वो चार में आपकी लिस्ट में है तो आपने वो जरूर चूज करना है जो मेरी रिकमेंडेशन है ये ना अगर सपोज ये एलिमिनेट हो जाता है कि नहीं रखना ये मैंने ठीक है कई बार नहीं होता कि नहीं यार मैं नहीं बहुत हो गया तो सेकंड में आपने वो सब्जेक्ट चूज करना है जो इससे कुछ थोड़ा बहुत रिलेटेड है जो इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है।, है ना इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है अगर वो चूज कर लिया तो ठीक है अगर वो भी नहीं बात बनी तो थर्ड वाले पे आना है तो फिर आपने वो सबेक्ट चूज कर लेना है जो जनरल है जो विच कैन बी यूज बाय एनी बडी इक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं सपोज एक बच्चा कहता है मैंने लॉ कर रहा हूं मैं आई कैन कीप लॉ आई कैन कीप पोल साइंस आई कैन कीप पब्लिक एड आई कैन कीप सोशोलॉजी ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं है ना अब देखो सब सब अगर चारों में से मैंने सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी लॉ है मैं उस बच्चे को कहूंगा कि बेटा लॉ देख ले तू पहले लॉ देख कि लॉ कहता सर हाँ लॉ में कर रहा हूँ मेरा इंटरेस्ट है लॉ में लेकिन आई एम नॉट वेरी टेक्निकली कंपिटेंट मैंने लॉ इतनी अच्छे से नहीं करी मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा मैं फिर भी उसको कहूँगा बेटा सोच ले लॉ अगर लॉ रख लेगा तो अपने आप पढ़ा तैयारी करनी पड़ेगी डेफिनेटली कोचिंग पे रिलाई नहीं करना प्लस लेकिन ये है कि लॉ अच्छे से कर लोगे तो अपने फील्ड के साथ जुड़े रहोगे कल को जुडिशरी के पेपर देने हैं या प्रैक्टिस करनी है तो उसमें हेल्प करेगा बच्चा कहता नहीं ये नहीं मेरे मेरी बात बनती नहीं मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करनी लॉ में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मेरे सामने दो ऑप्शन आएंगे ये पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड ये सेकेंड कैटेगरी के हैं फ्रॉम दे रोन एजुकेशन बैकग्राउंड अब इन दोनों में से मैं सोचूंगा पहले ये कंसिडर कर क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड रिलेटेड है लॉ से रिलेटेड भी हैं और साथ में ये है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कॉमन पार्ट है बच्चा कहता ठीक है, है जी मैं पोलिटिकल साइंस रख लेता हूँ रख लिया कोई कहता मैं पब्लिक एड रख लेता हूँ रख लिया कोई कहता नहीं सर मैं ये दोनों भी नहीं रखना चाहता मेरा इंटरेस्ट ना सोशलॉजी में जाता है सपोज या हिस्ट्री में जाता है और ये मैंने थोड़े बहुत पढ़े हैं तो ऐसे एलिमिनेशन से चलना है आप कभी मार नहीं खाओगे यू विल नेवर बी बिट्रेड एलिमिनेशन करके चलोगे तो कल को इन केस यू हैव कैप्ट पर्टिकुलर ऑप्शनल आपने एक प्रोसेस के थ्रू रखा है एनी एवरी टर्म टेकन हैरी कैन नॉट डी रेल यू क्योंकि आपने जो ऑप्शनल आपको बताया जाएगा कि ये रखते यार तुम वो क्यों रखा है तुमने आपको कि मैंने सोचा था भाई अलिमिनेट किया है इसको छोड़ दिया था मैंने तभी ये रखा है, है न तो आइडिया इसकी इस तरह से आपको अपने ऑप्शन की सिलेक्शन करनी है कि आप यू शुड नाट बी मतलब लूजिंग कॉन्फिडेंस एट एनी स्टेज ऑफ योर प्रेपरेशन और आपका इंटरेस्ट लूज ना करें और पहले ही चाहे आप ए, द, एक हफ्ता पंद्रह दिन एक महीना ज़्यादा लगा लो ऑप्शन सिलेक्शन में लेकिन डिसाइड आपको खुद करना है पहले ये जो चार ऑप्शन निकालने हैं इसमें से इस लेक्चर में से किसी से पूछना नहीं है आपने कि भाई मैं कौन से चार रखूं मैं इस चीज को बहुत नेगेटिव मानता हूँ तो आई थिंक माई स्टूडेंट शुड बी एनफ टू एटलीस्ट कार्व आउट फोर ऑप्शनल कि मेरे लिए ये चार ठीक बैठते हैं सर इंटरेस्ट के हिसाब से टाइम के हिसाब से और रिजोर्स तो चलो तो मिल ही जाएंगे तो चार ऑप्शनल हैं मेरे को जो ठीक लग रहे हैं इस लिस्ट में से अब चार पे ये मेथड लगाना कि इन चारों में से एजुकेशनल बैकग्राउंड में से कौन सा है क्या उसका रखने का फायदा है तो चार में से एलिमिनेशन करनी है आपने अगर नहीं एलिमिनेट आपसे चार हो रहे देन यू हैव टू टेक अवर हेल्प मैं आपका मेंटर हूँ इस कोर्स में है ना फॉर योर प्रिपरेशन तो आपने मेरी सलाह लेनी है अगर आप मेरी सलाह से सेटिस्फाइड हो तो आपको तीसरे बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दूसरे बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी सलाह से सेटिस्फाइड नहीं हों देन आप किसी से सलाह लो ठीक नहीं बात बट वी हेट वी वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है मुझे चार डिसाइड करने हैं खुद एलिमिनेट करना है और इसको वेट कराना है इसको वेरीफाई कराना है कि सर ये ठीक है हमने वेरीफाई कर दिया कि हाँ ठीक है बेटा कोई चक्कर नहीं कोई कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता ठीक है ना नो बडी कैन चैलेंज यू क्योंकि हम आपको ऑब्जेक्टिवली सलाह देंगे ठीक है तो पर लेकिन कोई ऑप्शन अच्छा नहीं होता सर ये ऑप्शन ठीक है ये अच्छा है ऑप्शनल डोंट नेवर आस्क मी दिस क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन स्कोरिंग है ऑप्शनल नेवर आस्क दिस क्वेश्चन किसी भी सीरियस टीचर से आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो उसकी नजरों में आप गिर जाओगे वो समझ जाएगा कि अभी बच्चा ये तैयारी शुरू करी है इसने इसको पता नहीं है कुछ भी यूपीएससी के बारे में

छह महीने लगा के उसको यूपीएससी लेवल के लिए अपग्रेड ही करना है और क्या करना है कोई ऊपर से क्वेश्चन थोड़ी उतर के आ जाएंगे आएंगे तो सिलेबस में से ही ना एग्जाम इज यूपीएससी जस्ट एन एग्जाम एंड एग्जाम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ क्वेश्चन इफ यू प्रिपेयर वेल यू स्कोर वेल सिंपल बात समझने की बस ये है कि प्रिपेयर वेल well का मतलब क्या है वट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपेयर वेल ये समझना है आपको ठीक है जी

थैंक यू थैंक यू वेरी मच एक बार चार डिसाइड करो बस ऑप्शनल आप तीन डिसाइड करो पांच डिसाइड करो खुलकर डिसाइड करो खुलकर डोंट हैव अ बर्डन ऑन योर माइंड है हाँ ना अपने आप धीरे धीरे जीरो आउट होकर एक ऑप्शन रह जाएगा डोंट वरी वी आर देयर ठीक है जी थैंक यू वेरी मच